हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल दिन है। तो आज है क्या, तो पहला तो आज हम लोग राजगीर जाने वाले हैं, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे मेरे जो दोस्त है, मेरा जो दोस्त है उसकी दीदी का ये बर्थडे है आज, और उन्हीं के साथ हम लोग आज जाने वाले हैं राजगीर, उनके बर्थडे को ही सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अभी तो 3 बज रहा है, हम लोगों को जल्दी ही निकलना है, सुबह 1 घंटे में निकलना है, 4 बजे के करीब यहाँ से। तो चलिए चला जाए, चलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग को जाना है यहाँ से पहले अपने दोस्त के घर, ठीक है, वहीं से हम लोग जाएंगे सब लोग साथ में। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्त के घर, हम लोग यहाँ से वही करीब 7 आदमी जाने वाले हैं। दीदी हैप्पी बर्थडे। दीदी यहाँ पर कुछ बन रहा है ले जाने के लिए ट्रिप पे, क्या बना रहे दीदी? ये बन रहा है आलू का कचौड़ी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, तो लेट हो जाएगा। अरे कंघी। और ये हम लोग निकल चुके हैं घर से। कुल्लू मनाली में पहुंच गए सर, आगे बैठ जाता है, आगे उल्टी वाला आदमी को बैठाए हुए हैं। पहुंच गए हैं राजगीर, यहाँ से शुरू है, सामने गुफा भी है राजगीर का, ये देखिए यहाँ पर हमारे जैसे कुछ जानवर हैं। देखिए यहाँ राजगीर आने के बाद सबसे पहले हम लोग को वहाँ आना पड़ता है लाइन में लगकर, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, एंट्री टिकट। एंट्री टिकट लेने के बाद 50 रुपया पर आदमी है टिकट। उसके बाद यहाँ पर बस आता है, गवर्नमेंट का बस आता है, यही बस लेकर अंदर जाता है। उसके बस एक गया, बस नहीं बस गया। अभी हम लोग यहीं पर थोड़ी देर बैठ के आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, और आदमी कुछ है हमारे वो पीछे छूट गए हैं, वो दूसरे गाड़ी से आ रहे हैं। अभी एक बार में वहाँ पर 7 बस अभी आता है, और एक बस में वही 22 से 24 लोग आते हैं। चलिए अभी यहीं पर थोड़ा देर आराम किया जाए। देख रहा है सामने, चलो हटो तो। फोन भी नहीं लगा सकते हैं, तब पहाड़ी लगाना जाएगा तुमको, यहाँ पर टावर कहाँ से आएगा, अब नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। चलो तो चलिए, यहाँ पर आने के बाद जो हम लोग बस से उतरते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक काउंटर है, वहाँ से स्काई ग्लास ब्रिज का, वहाँ पर टिकट मिलता है, 125 रुपये पर पर्सन है। उसके बाद एक रास्ता जाता है अंदर, ये रास्ता जाता है वहाँ तक, ग्लास ब्रिज तक, वहाँ से 12 बजे के बाद टिकट। चलिए कौन सा वाला ऑटो जाएगा सर? अच्छा इधर है ग्लास ब्रिज, पहाड़ अच्छा जाओ, चाहे साइकिलिंग वाला आगे जाते रहेगा। ओ ये क्या है? ग्लास ब्रिज के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वाह हाँ इसी का लगा 125 रुपया। चलिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सामान रखना पड़ता है, इधर जूता खोलना पड़ता है,
उसके बाद इधर का एंट्री है। चलिए ना, डरने क्या सीखा है। चलिए, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे कुछ नहीं गिरा। चलिए देखिए, इधर आने के बाद यहाँ टिकट चेक होता है, क्या इधर रास्ता है ऊपर ग्लास ब्रिज जाने का। वाह, नहीं रुक जाओ एक मिनट में, बस मेरा खत्म। वाह दीदी क्या मस्त है, एक बार हमको थोड़ा जल्दी से रिव्यू कर लेने दीजिए। वाह क्या मस्त इधर का नजारा है, ग्लास ब्रिज इधर देखिए, पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। वहाँ पर भी है पुल बना हुआ है, उसके बाद फिर रोप वो रस्सी वाला रहता है जो जाने वाला ट्राम जैसा, वो भी है इधर ही आगे। यहाँ ग्लास ब्रिज देखिए, सब आदमी क्या हालत खराब है दीदी लोग का। आओ चलो चलो, आर्मी वाला आदमी चलो, डिफेंस वाला आगे चलो। और यहाँ देखिए, वाह सस्पेंसर ब्रिज है। चलो अब यहाँ पर हम लोग एज में पहुंच गए। यही है पूरा ग्लास ब्रिज। चलिए वहाँ ग्लास ब्रिज से निकलने के बाद एकदम सीधा रास्ता आता है, वही ग्लास ब्रिज वहीं से खत्म होता है, वहीं से एकदम सीधा रास्ता आता है, और ये रास्ता होते हुए इधर जाते हैं आगे, एक सस्पेंसर ब्रिज है, ठीक है, पूरा नेट वाला ब्रिज। तो हम लोग इधर ही जा रहे हैं सस्पेंसर ब्रिज की ओर। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, पहाड़ है तो पहाड़ के कारण गर्मी रहेगा ही। अरे क्या कर ले हैं, हाँ चलिए सस्पेंसर ब्रिज अब जल्दी से घूमा जाए। चलिए तो यहाँ सस्पेंसर ब्रिज के पास आ गए हैं। सस्पेंसर ब्रिज का भी 10 रुपये पर पर्सन टिकट है। दीजिए दीजिए एक मेरा भी, एक ही जगह साथ घूम दीजिए। चलिए चलिए सस्पेंसर ब्रिज पे, मजा आ जाएगा। जो डरा सो मरा, पहले हम जाएंगे, हटिए पहले हम जाएंगे। वाह ओह क्या मजा है सस्पेंसर ब्रिज का, आनंद में। और उधर था ग्लास ब्रिज जो दिख रहा था यहाँ से। आइए आइए जल्दी आप लोग। सस्पेंसर ब्रिज का खौफ देखना है, देखिए कितना ज्यादा हिलता है। सस्पेंसर ब्रिज आता है यहाँ पे, खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा कुटिया बनाया हुआ है झोपड़ी का, आदिवासी का बनाया हुआ, लोग कैसे रहते थे पहाड़ में, किस तरह से मतलब मदद किए गवर्नमेंट का खुदाई में, उसके बारे में यहाँ पर पूरा अच्छा से डिस्प्ले किया गया, मूर्ति बना बनाकर कैसे वो लोग रहते थे सारा चीज। चलिए अब इसके बाद फिर हम लोग वापस सस्पेंसर ब्रिज से उधर जाएंगे, और फिर उधर जो जगह होगा उधर घूमेंगे। इधर का थोड़ा ब्यूटी का हम लोग नज़ारा ले लेते हैं। दीदी तनका इधर का ब्यूटी का फोटो ले लीजिए, ये सब नेचर का गिफ्ट, ये सब देखने के लिए नहीं ना मिलेगा, फोन में कितना कैद कर पाएंगे, इतना मस्त जो नेचर है हम लोग का। वहाँ ग्लास ब्रिज, यस सर। वहाँ पर ग्लास ब्रिज, वहाँ ग्लास ब्रिज। चलिए हम लोग सस्पेंसर ब्रिज घूम चुके हैं, अब वापस चल रहे हैं। ग्लास ब्रिज का जो रास्ता था उसी रास्ते में से एक और रास्ता इधर कटता है जो कि जाएगा वहाँ मेन गेट के पास, जहाँ से वापस हम लोग को बस मिलेगा बाहर जाने के लिए। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं, यही दो चीज़ स्पेशल घूमने के लिए आए थे, क्योंकि आज टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आज ही हम लोगों को सारा चीज़ घूम कर जाना है। तो चलिए तब बताइए कैसा रहा आपका सस्पेंसर ब्रिज का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, डर के मारे हालत खराब था, सबसे ज़्यादा यही डर रही थी, बैठ कर रोने लगी। तो यही रास्ता का तो मजा है, पूरा जंगल का रास्ता। फील इट ऋषभ, फील करो नेचर को। हाँ सबसे बिजोड़ रास्ता है। चलिए दीदी चलिए जल्दी। चलिए यहाँ से हम लोग आए थे अभी
सॉरी सस्पेंसर ब्रिज से होके आए थे और ये वाला रास्ता सीधा जाता है ग्लास ब्रिज, उससे होकर आए हैं और यहाँ से फिर टेम्पो पकड़ कर सॉरी ऑटो पकड़ के हम लोग आगे जाएंगे। वहाँ पर क्या है, हाँ वहाँ पर साइकिलिंग करने वाला है, ऊपर से जो केबल का जो रहता है उसमें जो ट्राम रहता है उधर हम लोग जाने वाले हैं। इसी में पीछे बैठे हैं, पूरा फुल एक्सपीरियंस एकदम जंगल सफारी का, एकदम मजा आ जाएगा। सब लोग रेडी? रेडी। वाह क्या बेहतरीन खूबसूरत नजारे हैं। इधर वाला पहाड़ गायब हो गया, छिप गया, इधर है ना। ट्रिमेंडस व्यू या देखिए, इधर रोड बन रहा है अभी पत्थर काट काट के। चलिए यहाँ पहुंच गए हम लोग। हम लोग जिप लाइन नहीं लेंगे, जिप लाइन के लिए और पीछे ही रास्ता था और उसका वहीं पर था टिकट काउंटर। हम लोग जिप लाइन नहीं लेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो इधर ही साइकिलिंग का इधर ही काउंटर मिलेगा और सामने साइकिलिंग का शायद साइट है उधर, जिधर साइकिलिंग करने का एरिया है बनाया हुआ। तो बहुत खूबसूरत जगह है। क्या आप बैठ गए लेजी जी साहब, उठिए चलिए चलिए थोड़ा बहुत साइकिलिंग किया जाए। लेगा हो गया, पानी भरा गया। यहाँ देखिए ट्री हाउस, वेलकम मूवी का ट्री हाउस है। चलो आगे, किधर है साइकिलिंग का, चलिए दीदी। मोबाइल हाँ तो हाँ छोड़ी के नाना है। चलिए तो हम लोग साइकिलिंग पे नहीं गए, हम लोग जिप लाइन यूज किए थे। लास्ट में प्लान चेंज किया, जिप लाइन यूज करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ से टिकट कटाए थे ग्लास ब्रिज का, वहाँ से फिर वापस जो गवर्नमेंट का जो गाड़ी है उससे फिर हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे से फिर वापस हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। अब ये हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ वापस, अब हम लोग जाएंगे वापस इस गाड़ी से गवर्नमेंट का जो है ना, इससे फिर वापस जाएंगे जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ से हम लोग टिकट कटाए थे इधर एंटर करने के लिए, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से फिर दूसरे जगह घूमने जाएंगे। तब अभी हम लोग आ गए यहाँ बाहर, गवर्नमेंट का बस यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर केव है पहले के समय का। इसका नाम क्या है दीदी, यहाँ पे लिखा हुआ बाहर था ना सोन भंडार, सोन भंडार इसका नाम लिखा हुआ, पता नहीं क्या है। तो बड़ा सा पहाड़ है, उसी के अंदर गुफा बना हुआ है, वो पहले के समय का दीवार भी वहाँ पर बना हुआ है। चलिए देखते हैं, चलिए गुफा में देखते हैं क्या है इधर। हम लोग को पहले का खजाना मिलने वाला है, सोन का खजाना तुमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ रहता तो दूसरा आदमी उठा के नहीं ले जाता। पुराना प्राचीन गुफा है बना हुआ, अंदर रूम जैसा बना हुआ। इसी में पहले कौन सा राजा यहाँ पे छुपा था आगे दीदी, कौन सा राजा छुपा था यहाँ पे आके, बिंदुसार, बिंबिसार, बिंबिसार राजा मगर डायनेस्टी का, बिंबिसार राजा इसमें छुपा था आके। हाँ बताइए सर। नहीं ठीक है, सब पता है जी, बता रहा अब बताया जाए सर, पहले का आर्किटेक्चर बना हुआ सर। चलिए इधर देखते हैं इधर क्या है, पूरा अंदर में गुफा टाइप का बना हुआ है, इधर तो कुछ यस सर। यहाँ पर क्या है देखें, ओहो पहले के समय का जैन धर्म का बनाया हुआ है पहाड़ पर पत्थर पर, इसको इनक्लेव किया हुआ है, सब टूट के तो बर्बाद हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है मंदिर था पहले जैन धर्म का।
जैनिज्म का। यहाँ पर जैनिन टूरिस्ट सब भी आते हैं, महानाया और हीनाया लोग, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है जैनिज्म। यहाँ भी हम लोग कहाँ जा रहे दीदी, पता है याद आएगा कहाँ हम लोग को जाना है? हम लोग जा रहे शांति स्तूप पहाड़ पे, जो मैं नहीं चढ़ने वाली हूँ। I'm always ready, sir. हटिए तो देखिए राजगीर का नेचर सफारी। देखे बिजोर है ना, एक ना सब रील्स बना के डालता है। कितना सर प्लस बात है, आज के बाद आज लास्ट डे ना होली, उसके बाद होली का क्लोजिंग होता है। वाइल्ड लाइफ सफारी है, तेमे कौन कौन जानवर है? तीन इसमें खास जानवर को रखा गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सफारी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। जा झूठू बच जाओ, ले जा तू, पूछना कोई एंट्री है या नहीं। चलिए तो हम लोग यहाँ अभी चढ़ना शुरू किए, पहाड़ पे चढ़ना है। शांति स्तूपा जो बौद्ध धर्म का जो सेक्रेट प्लेस है, वहीं तक हम लोग को जाना है। यही है पूरा रास्ता, उधर से लिफ्ट का भी रास्ता है, लेकिन उससे हम लोग नहीं जाएंगे, पैदल रास्ता ही जाएंगे। सबसे मस्त यही है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन मूव फास्ट। दो दिन बाद होली है इसलिए सारा अभी पूरा बंद है। दो दिन बाद होली है इसलिए पूरा मार्केट बंद है। चलिए तो चढ़ा जाए ऊपर तेजी से। पर शांति स्तूप का चढ़ाई बहुत मुश्किल लग रहा है, आराम से जाए तो जाया जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम लोग के पास समय कमी होने के कारण बहुत तेज़ी चढ़ना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है। अभी करीब आधा से ज़्यादा रास्ता तय हो चुका है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से इधर जाना है हम लोगों को, और ऊपर शायद दिख पा रहा होगा, ऊपर वहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है थोड़ा सा पार्ट, वहीं तक हम लोगों को जाना है। तो चलिए इसके बाद जल्द से जल्द पहुँचा जाए। देखिए आधा हो गया रास्ता, आधा और बचा है ऊपर का रास्ता। चलिए हम लोग चलते चलते, सीढ़ी का रास्ता बहुत लंबा पड़ रहा था तो हम लोग जंगल का शॉर्टकट रास्ता लिए हैं। पूरा बेयर गिल्स वाला फीलिंग आ रहा है। तीन तीन पेशेंट हो गया है, तीनों को खींच खींच के ले जाना पड़ रहा है, ये लोग से थोड़ा भी चलाई नहीं हो रहा है। ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत ज़्यादा थकाने वाला है, बहुत ज़्यादा तेजी में चढ़े हैं इसलिए थक गए हैं। अभी देखिए हम लोग के पीछे का आदमी बहुत नीचे है, काफ़ी हाइट तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट चढ़ाई ख़त्म हो चुका है। हमारे कमांडोज बैठे हुए हैं, सबका हालत बहुत ख़राब है, किसी के अंदर चलने का हिम्मत नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा सब उधर स्काई ब्रिज घूम लिया। बस एक शॉर्टकट रास्ता, उसके बाद पहुँच जाएंगे ऊपर। चलिए जल्द से जल्द शुरू किया जाए चढ़ाई शांति स्तूप के पास। ये देखिए काफ़ी मेहनत के बाद ऊपर पहुंचे हैं, इधर तो बहुत अच्छा सब बन गया। आ रहे हैं आ रहे हैं, द सेक्रेट प्लेस फॉर बुद्धिज्म, दोज वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये देखिए वाह क्या कला है। चलिए आगे से देखा जाए, वहाँ देखिए बंदर का बच्चा। तो चलिए एकदम वहाँ पर मोनेस्ट्री है बुद्धिज्म, वहाँ पर भी शायद प्रेयर हो रहा है। सामने ये बुद्ध भगवान का प्रतिमा और ये विश्व शांति स्तूप, इतना बड़ा। उधर मोनेस्ट्री है, वहाँ पर मॉन्क लोग रहते हैं बुद्धिज्म, और ये यहाँ का आउटर व्यू। वहाँ पर बहुत बड़ा बेल रखा हुआ है, देख सकते हैं बेल है। ये देखिए, तो चलिए हम लोग ऊपर गए थे मोनेस्ट्री शांति स्तूपा, और उसके बाद अब हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब चलते हैं, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज नालंदा भी जाएं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, एक ही दिन में सोच रहे सारा चीज़ कवर करने का। आज थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि
दो दिन बाद होली है इसलिए। तो चलिए हम तो नीचे उतर चुके हैं पहाड़ से, चला जाए। उसके बाद घूट गए खाने के लिए, उसके बाद हम लोग पाव पूरी जा रहे हैं, देखते टाइम अगर बचा खा खुला तो घूम लेंगे। हम लोग पावपुरी पहुंच गए हैं, इसके सामने एक मंदिर है बन रहा है अभी, और ये एंट्रेंस है इसका, देखिए बहुत मस्त मंदिर है पावपुरी का। बीच चारों तरफ पूरा झील है और बीच में मंदिर बना हुआ है, काफी शानदार इसका लुक है। रात को जब इसमें लाइट जलता है तो और भी शानदार लगता है देखने में। ये सबसे इधर घूमने वाले इधर का एरिया में घूमने वाले जगह में सबसे लेट तक यही खुला रहता है, 8 बजे तक खुला रहता है, 7:30-8 बजे तक। देखिए यहाँ पर माना जाता है कि पानी में एक जगह है ऐसा जहाँ पर सिक्का फेंकने पे अगर वो सिक्का अगर चिपक जाता है तो आपका विश पूरा होगा। कहाँ पर टिकाना था? अच्छा पत्ता पर, और इसमें कोई भी इसमें पत्ता रहता है उस पर अगर सिक्का अगर जाकर रुक जाएगा, निशाना लग जाएगा तो विश पूरा हो जाता है। लिली का पेड़ इसमें होता है बहुत ज्यादा। दीदी आपका सिक्का टिका है ना? हाँ। हम फेंके तो मेरा पानी में चल गया, फट गया पत्ता। भारत सरकार का ही टिका, सिक्का भी भारत सरकार का, टिका भी भारत सरकार का ही। चलिए वाह, देखिए दीदी लाइट जल गया, आप कितना मिजोर लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं इस टेम्पल के अंदर। जाने से पहले यहाँ पर हम लोगों को जूता चप्पल निकाल देना है, उसके बाद टेम्पल के अंदर चलना है। वाह, जैन धर्म का है ना टेम्पल? यस सर, एक मिनट थोड़ा सा बस, टेम्पल टू हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा जगह, एकदम शांत जगह, रिलैक्स करने वाला जगह है। मंदिर खास है जैन धर्म के लिए, और इसके जस्ट सामने एक और मंदिर बन रहा है, वो भी आप लोग को दिखा है, उसमें बहुत अच्छा कारीगरी किया गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बन ही रहा है। तो ये मंदिर है, इसके अंदर जो भी सेक्रेट गॉड हैं जैनिज्म के वो हैं, यहाँ पर पूजा होता है अंदर में। तो चलिए हम लोग पावपुरी का मंदिर घूम लिए, काफी रात हो गया इसलिए अब हम लोग निकल रहे। तो हम लोग राजगीर का ट्रिप यहीं पे एंड होता है, तो सब लोग बाय बोल दे, आज का ट्रिप यहीं पे एंड, अभी बस खाना है फिर घर निकलना है। चलिए काफी रात हो चुका है, तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।